Hey everyone, welcome to my channel. In today's video, I am going to show you this colorful cut crease eye makeup look. I hope आपको ये अच्छा लग रहा होगा. And detail में अगर देखना है कैसे इसको create कर सकते हो, then please keep on watching. So let's start with today's video. तो यहाँ पे palette के लिए मैं use कर रही हूँ Europe Girl का 40 eyeshadow palette in the variant cool tone. तो सबसे पहले जो purple शेड है, थोड़ा सा डार्क पर्पल बोल सकते हो, उस शेड को अप्लाई करूँ आउटर वी पे विथ है स्मॉलर ब्रश. एकदम छोटू सा ब्रश है, बहुत ज़्यादा फ्लफी नहीं है. सो प्रिसाइजली आप कलर को प्लेस कर सकते हो इस टाइप के ब्रश से और साथ में ब्लेंड भी कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा ये फैलाएगा नहीं कलर को. सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रिसीजन के साथ कलर को प्लेस करना चाहती हूँ ऑन माई आउटर वी एंड क्रीज पे. और प्रोडक्ट को मैं थोड़ा थोड़ा लेके इंटेंसीफाई कर रही हूँ, एज यू कैन सी, एंड ऑल्सो ब्लेंड कर रही हूँ. नेक्स्ट इसके बाद मैं एक लाइटर शेड ले लूँगी, थोड़ा सा पिंक अंडरटोन, और उसके साथ मैं प्रीवियस शेड के एज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँगी. एंड इसके बाद मैं अगेन प्रीवियस शेड को प्लेस कर रही हूँ बिकॉज वो थोड़ा सा ब्लेंड करने की वजह से थोड़ा कम हो गया था, फेड आउट हो गया था. अगेन मैं ट्रांजिशन शेड को फिर से प्लेस कर रही हूँ. सो बैक एंड फोर्थ मैं कलर को प्लेस कर रही हूँ जब तक कि ना मुझे डिज़ायर कलर इंटेंसिटी ना मिल जाए. इसके बाद मैं और थोड़ा सा डेप्थ प्रोवाइड करूंगी, तो इसके लिए मैं ब्लैक शेडो को अप्लाई कर रही हूँ विथ ए पेंसिल ब्रश. शेडो को मैं आउटर वी पे सबसे पहले प्लेस करूंगी एंड जब कम रहेगा ब्रश में प्रोडक्ट तब मैं उसको क्रीज पे लेके जाऊंगी. और यहाँ पे मैं और छोटू सा ब्रश यूज़ की हूँ बिकॉज मुझे और अच्छे से यू नो प्रिसीजन के साथ कलर को प्लेस करना है. सो जितना डार्कर कलर हो उतना ही छोटा ब्रश होना चाहिए आपका. सो ब्लैक शेडो को अप्लाई करने के बाद मैं अगेन जो पर्पल शेड है उसको फिर से अप्लाई कर रही हूँ एंड अगेन ट्रांजिशन शेड को फिर से अप्लाई कर रही हूँ ताकि अच्छे से ब्लेंडेड लुक मिले मुझे. इसके बाद कर रही हूँ कट क्रीज ड्रॉ. सबसे पहले फ्रंट सेक्शन को मैं मार्क कर लूंगी कहाँ तक मुझे कट क्रीज करना है एंड देन मैं लीड को पूरा पेंट कर लूँगी विद दैट कंसीलर. सो जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, सो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो. इसके बाद कंसीलर के एज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँगी. सो पर्पल शेड को मैं फिर से अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर के एज पे ताकि वो अच्छे से ब्लेंडेड लगे. नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक शिमरी शेड अप्लाई करना चाहती हूँ. फॉर दैट आई एम यूजिंग पैक कॉस्मेटिक्स का पैलेट. सो इसमें सारे ही शिमर शेड है, काइंड ऑफ फॉयल शेडो बोल सकते हो, और बहुत पिगमेंटेड है ये पैलेट. सो इसमें से जो काइंड ऑफ स्काई ब्लू कलर है, सी ग्रीन स्काई ब्लू, आई डोंट नो, सायन भी बोल सकते हो जो कलर आप देख रहे हो, सो उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ एक फ्लॉट ब्रश के हेल्प से जहाँ पे भी कंसीलर यूज़ की थी वहाँ पे. सो बहुत ही पिगमेंटेड है ये शेडोज़ और ये पैलेट भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, बट थोड़ा सा प्राइसी है. सो आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो बट ओनली फॉर रेगुलर यूज़, आई डोंट थिंक कि ज़रूरत है. बट अगर आप ब्राइडल मेकअप करते हो, पार्लर में काम करते हो, देन यू कैन इन्वेस्ट इन दिस पैलेट. बट इसमें ओनली आपको शिमर शेड ही मिलेगा. सो इसके बाद मैं सॉफ्ट कर ली हूँ दोनों शेडो के बीच में, जो सी ग्रीन ब्लू शेड है उसके साथ पर्पल शेडो को, एंड ब्लैक शेडो को फिर से अप्लाई कर रही हूँ आउटर वी पे थोड़ा सा और डेप्थ प्रोवाइड करने के लिए. नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ काजल ऑन माय वाटर लाइन. सो ये मेबलिन का काजल है, अच्छा काजल है, काफ़ी पिगमेंटेड है एज यू कैन सी, एंड इनर कॉर्नर को भी बाद में मैं पॉइंटेड क्रिएट करती हूँ. सो अगर आपको स्किप करना है यू कैन स्किप दिस. एंड लोअर लैश लाइन के आउटर कॉर्नर के साइड में मैं पर्पल शेडो को अप्लाई की हूँ एंड इनर के साइड में मैं जो स्काई ब्लू शेड है उसको अप्लाई की हूँ. हाइलाइटर अप्लाई करूँगी इसके बाद. मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेबलिन मास्टर क्रोम हाइलाइटर इन द शेड माउंटेन गोल्ड ब्राउ बोन एंड इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए.
मस्कारा के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कलर बार का मस्कारा। सो इसमें एक वॉल्यूमिनस साइड है और एक लेंथनिंग वाला है। सो मैं वॉल्यूम वाला अप्लाई कर रही हूँ। ये डिसेंट सा मस्कारा है, बहुत ज़्यादा फेवरेट नहीं है मेरा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं फोर्स आई लैशेज अप्लाई की हूँ एंड इसी के साथ आई मेकअप ख़त्म होता है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये ओवरऑल आई मेकअप, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडियाज फॉर मोर अपडेट। मैं आपसे फिर से मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।